तो हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की, जिसका विरोध करने की बात कही जा रही थी, इसके बारे में भी विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। दरअसल राजस्थान गौरव यात्रा का समापन कल विजय संकल्प सभा के साथ अजमेर में होगा। यहां पर कायड़ विश्राम स्थली में प्रस्तावित जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और ऐसे में जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद पहुंची और यहाँ हेलीपैड पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी सहित संगठन के नेताओं ने सीएम का स्वागत किया। कायड़ विश्राम स्थली पर सीएम राजे ने मंच और सभा स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सैनी ने गेस्ट हाउस में संगठन पदाधिकारियों की बैठक ली और माना यह जा रहा है कि पीएम की सभा में करीब 2 से 2.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि सभा के किशनगढ़ में मार्बल एसोसिएशन के सभागार में प्रदेश चुनाव की रणनीति को लेकर अहम बैठक होगी सभा के बाद, जिसमें मुख्यमंत्री, नवनियुक्त प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, वी सतीश, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत आला अफसर, आला नेता मौजूद रहेंगे।